वैसे तो आम को फलों का राजा कहा जाता है, लेकिन आम में भी हापुस आम को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। हापुस के शौकीन राजस्थान में सबसे ज्यादा जोधपुर शहर में हैं। ऐसे में यहाँ हापुस आमों की बिक्री भी सबसे ज्यादा होती है। जोधपुर की फ्रूट मंडी में रोजाना 2 से 3 ट्रक आम पहुंच रहा है। व्यापारियों का मानना है कि जून में जब उत्तर प्रदेश से आम की आवक शुरू होगी तो यह ट्रकों की संख्या 25 से 30 पहुंच जाएगी। अभी हापुस आम जो है वो बढ़िया बिक रहा है। यहाँ के लोग जो लोकल हैं वो हापुस को ज़्यादा पसंद करते हैं। शादी विवाह में मैंगो क्रीम में पहले हापुस बिकता है और मैंगो क्रीम सबसे अच्छा इसके हापुस का ही बनता है, उसके बाद केसर आम का। तो अभी 2 ट्रक रोजाना जोधपुर मंडी में हापुस का आ रहा है और रेट जो है 100 से लेके 140-150 तक बिक रहा है किलो के हिसाब से। बादाम का 10-12 गाड़ी रोजाना आ रहा है, आंध्र प्रदेश से हैदराबाद विजयवाड़ से आ रहा है, वो 35 से 45 रुपये किलो तक बिक रहा है। बाकी जून में अभी केसर और लंगड़ा जो गुजरात का आ रहा है, केसर जो 60 से 70 रुपए किलो बिक रही है, लंगड़ा भी यही रेट बिक रहा है 60 से 70 रुपए गुजरात का। आवक आम की 25-30 ट्रक जून में यूपी का आएगा, उसके बाद लंगड़ा केसर थोड़ा लंगड़ा दशहरी रेट कम हो जाएगा जून में। आम के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है बजट में आम। यहाँ जोधपुर में राजस्थान में सबसे ज़्यादा हापुस अपने जोधपुर में बिकता है, यहाँ के लोग हापुस ज़्यादा पसंद करते हैं, उसके बाद केसर आम, क्योंकि आमों का राजा ही हापुस है, उसके बाद केसर आम। ये दोनों आम जो हैं अपने राजस्थान जोधपुर में खास पसंद आम करते हैं। जोधपुर के फ्रूट मंडी में लगभग 40 से अधिक फ्रूट के व्यापारी हैं और हर रोज बड़ी मात्रा में आम की बिक्री यहां होती है। विजयवाड़ा हैदराबाद से पहुंचने वाले आम के भाव मंडी में 35 से 45 रुपए तक चल रहा है। वहीं मुंबई से जोधपुर पहुंच रहा हापुस आम 100 से 150 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। अहमदाबाद से आने वाले आम का रेट 40 से 50 रुपए है। गौरतलब है कि इस बार आम का रेट फिलहाल ज्यादा नहीं है, जिसके चलते मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग का व्यक्ति भी आम का जमकर लुत्फ उठा पा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि गर्मियां बढ़ने पर जब आम की आवक बढ़ेगी तो दाम और कम हो सकते हैं।